बिहार की राजनीति से मिल रही है। तो बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जहां ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार मिल रही है। और इस बीच जानकारी यह भी मिली कि किसी करीबी को भी कमान सौंपी जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है और यह संभव है, इस तरह की बातें यहां पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं, जहां ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले यह बदलाव संभव। सूत्रों के हवाले से लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें ललन सिंह अपना पद छोड़ सकते हैं। ललन सिंह इस वक्त जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ऐसे में वो अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं, इस तरह की खबरें मिल रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी करीबी को भी कमान सौंपी जा सकती है जेडीयू के अध्यक्ष के। हालांकि अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंतजार फिलहाल हर किसी को यही कि अगर ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर अपने पद को छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या नीतीश कुमार इस पद पर अपनी कार्य का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे या इस पद पर एक नया चेहरा देखने को मिल पाएगा। और खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज एडिटर मिहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिहिर जी, बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर यही सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं, ललन सिंह पद छोड़ देंगे, क्या जानकारी? रितु, वाकई में ये बड़ी खबर है। जनता दल यूनाइटेड के लिहाज से अगर सोचे तो काफी दिन से एक उथल पुथल का दौर बिहार की राजनीति में चल रहा था और जदयू में खासतौर से चल रहा था। इसकी वजह ये थी कि ललन सिंह के बारे में सूत्र जो दावा करते हैं कि वो खुद भी इस पद को संभालने के पक्ष में नहीं थे। उनका, ललन सिंह का तर्क ये आ रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव भी लड़ना है, उसके अलावा कई बार उन्हें बैठकों में आना जाना पड़ता है। ये तो वो खबर है जो प्रचारित की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनका दावा है कि दरअसल कहीं ना कहीं नीतीश और ललन के बीच में जो समीकरण थे वो भी बिगड़ रहे थे। और यही वजह है कि आप यहाँ यह भी बताना आपको जरूरी है अपने दर्शकों को रितु, कि ललन सिंह का एक जो जेडीयू के अंदर कद रहा है और नीतीश के साथ जो उनकी केमिस्ट्री रही है उसके चलते इनके बरक्स कोई दूसरा लीडरशिप पनप नहीं पाया। आरसीपी सिंह की पिछले साल जब ये अध्यक्ष थे, आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हुआ तब उनकी छुट्टी हुई थी, तो उसकी वजह भी ललन सिंह थे। ललन सिंह से आरसीपी की बनती नहीं थी, वो केमिस्ट्री उन दोनों के बीच में नहीं थी। कई बार आरसीपी ललन सिंह पे सवाल उठाते थे, ललन सिंह आरसीपी सिंह पे सवाल उठाते थे और अंततः परिणाम इसका ये हुआ कि उस समय नीतीश का वरद हस्त ललन के ऊपर था, सो आरसीपी की छुट्टी हुई। और आरसीपी के जाने की एक वजह यह भी थी कि आरसीपी की करीबी बीजेपी के साथ थी और ये बात नीतीश को खटक रही थी। इसके अलावा हाल के दिनों में नीतीश और ललन के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये गेम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जाकर जदयू की कार्यकारिणी बैठक होनी है, नई दिल्ली में ये बैठक होनी है, उसके पहले सूत्रों का ये दावा है कि ललन सिंह ने पद छोड़ने का मन बना लिया है और नीतीश भी उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने के हक में है। रितु, अब बिल्कुल, हालांकि इस तरह की खबरें लंबे समय से आ रही है कि ललन सिंह अपना पद छोड़ सकते हैं, उसके बाद जेडीयू के अध्यक्ष के तौर पर एक नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है। और लगातार आपने भी जानकारी साझा की, नीतीश कुमार की तरफ से यह भी कहा गया था ललन सिंह से कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक आप अपने पद पर रहे, अपने कार्य का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अगर ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर अपना पद छोड़ देंगे तो 2024 में क्या एक बड़ा नुकसान, घाटा देखने को मिल सकता है? देखिए, किसी भी पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसको मिलती है, उसके कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है और संगठन को बनाने में और कार्यकर्ताओं की फौज को जोड़ने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इसे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सोचे तो नड्डा लगातार एक्टिव रहते हैं, वो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर, शहर शहर घूमते हैं ताकि कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर पाए। लेकिन जेडीयू के मामले में नीतीश के साथ, चूंकि उनके ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका है, इंडिया गठबंधन में तमाम तरह के समीकरण नीतीश उसके पक्ष में भी साधने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उनके पास क्या इतना वक्त होगा कि वो खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालें और उसको बिल्कुल दायित्व और जिम्मेदारी के साथ उस चीज को आगे तक ले जाएं, ये कहना मुश्किल है। बट अभी जो समीकरण नया उभर कर आया है उसमें कहानी यही है कि
ललन सिंह का जाना लगभग तय है। इस जाने के पीछे जो अंदर खाने की जो खबर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये समझ में आ रहा है कि ललन सिंह और नीतीश के बीच जो केमिस्ट्री पिछले कई सालों से थी वो केमिस्ट्री अचानक से नदारद हो गई है। और यही वजह है कि अभी दिल्ली में 28 तारीख के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होनी है जनता दल यूनाइटेड की, उसके पहले ललन सिंह या उसी दौरान नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। और बहुत हद तक जो सूत्र इशारा कर रहे हैं उनका दावा यह है कि ये जिम्मेदारी काफी हद तक नीतीश को बिल्कुल, और देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आगे आने वाले समय में किस तरह की ये फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया मिहिर जी आपका। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए और समीकरण किस तरह के बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़ गए हैं, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और इससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, लंबे समय से खबरें चल रही थी, लेकिन अब 29 दिसंबर को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उससे पहले इस्तीफा दे सकते हैं सूत्रों के हवाले से खबर। किस तरह से इसे समझा जाए, क्या समीकरण बिहार की राजनीति को लेकर? चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार के सियासी गलियारों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं ललन सिंह, और उसके बाद नीतीश कुमार इस पद पर तैनात हो सकते हैं। नीतीश कुमार इस पूरे पद का जो कार्य प्रणाली है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, उस कार्य का निर्वहन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर आ सकती है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 29 दिसंबर की वो तारीख है जब राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक होने वाली है, और उस बैठक से पहले इस्तीफा ललन सिंह का सामने आ सकता है।